हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। आज हम बनाएंगे मलाई कुल्फ़ी। मलाई कुल्फ़ी हर किसी की फेवरेट होती है, बचपन में आपने भी खूब खाई होगी। तो चलिए अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और बनाते हैं मलाई कुल्फ़ी। बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है ये। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ होता है इसमें। और यदि आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में इसको जमा के रख सकते हैं। एकदम टेस्टी बनेगी और मार्केट में मिलने वाली कुल्फ़ी से कहीं ज़्यादा सस्ती, प्योर और हेल्दी। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क और 1/3 कप शुगर। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई या कोई भी मोटी तली का एक बर्तन, उसके अंदर फिर दूध डाल देंगे। दूध जो है वो हमें फुल क्रीम ही लेना है, क्योंकि गाढ़े दूध से ही जो कुल्फ़ी है वो ज़्यादा अच्छी जमती है। और यदि आप यहाँ पर नॉन स्टिकी बर्तन नहीं ले रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल दीजिए ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। कई बार क्या होता है कि दूध नीचे चिपक जाता है और बाद में वो जलने के चांसेस हो जाते हैं उसके। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको गर्म होने देंगे। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि वो 1/3 ना रह जाए, 1/3 ना रह जाए। स्टार्टिंग में आप फ्लेम को हाई रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा नहीं तो दूध उफन सकता है। बीच बीच में आप उसको चलाते रहें। ये देखिए, एक उबाल आ गया है। दूध गर्म करने के लिए जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो हो सके तो आप थोड़ा सा खुला बर्तन लें ताकि आपका दूध जल्दी से पक जाए उसके अंदर। साइड में जो ये मलाई आ जाती है उसको इस तरीके से स्क्रैच करते हुए उसके अंदर मिक्स कर दें। जो इसका टेस्ट होता है बाद में जो कुल्फ़ी में आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। यदि हम फ्लेम को हाई रखते हैं यहाँ पर तो हमें कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। ये देखिए, दूध हमारा हाफ के लगभग रह गया है अभी। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी। फ्लेम को लो कर देंगे और ये हमने लिया है 1/3 कप शुगर। यदि आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, लेकिन हमें चीनी इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि यदि शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो कुल्फ़ी जमने में प्रॉब्लम आती है और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। अब हम फ्लेम को फिर से हाई कर देंगे और इसको कंटिन्यू चलाएँगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, जो दूध है वो 1/3 रह गया है जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था, और कितना गाढ़ा हो गया है ये देखिए। मलाई के रेशे आपको इसमें दिख रहे होंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए, दूध हमारा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, एकदम रबड़ी के जैसा हो गया है। इसी टाइप का टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसको जमाएंगे। जमाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ कुल्फ़ी मोल्ड। ये देखिए, इस टाइप के मोल्ड आप ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक के जो मोल्ड आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास घर पर मोल्ड नहीं है तो आप इस टाइप के कोई भी कंटेनर में आप जमा सकते हैं। कोई भी, ये बच्चों का टॉय है, इसमें जमा सकते हैं। या फिर आपके पास यदि घर में कांच के गिलास हैं ये चाय पीने वाले, उसमें भी आप जमा सकते हैं। या और किसी भी कप में, कटोरी में, किसी में भी जमा सकते हैं। सिर्फ शेप का फ़र्क आएगा, बाकी आप जो टेस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इस टाइप के मोल्ड में जब हम जमाते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। बाकी जो दूसरे मोल्ड में यदि हम जमाते हैं, घर के किसी भी बर्तन में जमाते हैं, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से जमाना है उसमें। तो हमने पूरा फिल कर दिया है, इसको कैप लगा देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ढक्कन होता है। तो उसको हम कैप लगा के अच्छे से टाइट करके रख देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी फिल कर लेते हैं। यदि आप किसी खुले कंटेनर में जमा रहे हैं तो पहले देखिए उसको फिल कर लेते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। यदि हम इसको सीधा जमा देते हैं तो इसमें क्या है कि क्रिस्टल जम सकते हैं, बर्फ़ जम सकती है। तो हम इसको पहले कवर कर देंगे किसी भी एल्युमिनियम फॉयल से इस तरीके से, या फिर प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। और फिर ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा कट लगा के उसके अंदर आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे इस तरीके से, ताकि वो उसी के अंदर सेट हो जाए। ये देखिए, जो हमने सारा मिक्सचर है वो कुल्फ़ी मोल्ड्स में भर लिया है।
अब इसको कम से कम 8 से 10 घंटे तक फ्रिज में जमने देंगे। ये देखिए 10 घंटे हो गए हैं और ये हमारी कुल्फ़ी जम के रेडी है एकदम। देखिए कितना वाइट, बहुत ही ठंडा लग रहा है। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए एकदम सॉलिड हो गई है। अब देखिए इसको निकालने के लिए हमें इसको इस तरीके से हथेली के अंदर रब करना है, या फिर इसको आप 5 से 10 सेकंड के लिए पानी में भी डुबो सकते हैं एक बार। फिर एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इस तरीके से सेंटर में इसके ऐसे लगाएंगे। निकलने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी टाइट होती है, तो इसको इस तरीके से रोटेट करते हुए हमें इसको निकालना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी जो कुल्फी है वो जम के रेडी है, एकदम मार्केट के जैसी बनी है। दूसरी वाली भी निकाल के देखते हैं। ये देखिए सारी कुल्फियाँ जो है हमारी एकदम परफेक्ट जमी है। सर्व करने से पहले हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से। ये पिस्ता मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए, और जो ओपन कंटेनर में हमने जमाई थी वो भी देख लेते हैं कैसी जमी है हमारी। फॉइल को हटा देंगे, ये भी अच्छे से सेट हो गई है। इसको भी थोड़ा सा रब करेंगे हथेली से। इसको मैंने बाहर रखे हुए थोड़ा टाइम हो गया था, एकदम परफेक्ट कुल्फी ये भी जमी है हमारी। सिर्फ शेप का फ़र्क होता है, बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, खाने में दोनों ही एक जैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी रेसिपी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। आपका फेवरेट कुल्फी या आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसकी रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे। और इसके अलावा और कोई रेसिपी आप देखना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट अनफोल्ड।